हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आपको पता है हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज शुरू करी है फॉर नवंबर 19 एग्जामिनेशंस फॉर सीए इंटरमीडिएट। दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन दैट सीरीज। मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फाइल जिसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 टूडे ऑफ सैलरी। इफ़ आई रीड दिस क्वेश्चन विच सेज एबी कंपनी लिमिटेड अलॉटेड 1000 sweat equity shares to Abdul in June 18. The shares were allotted at 200 per share as against the fair market value of 300 per share. हमने एक sweat equity shares दे दिया है 300 रुपये जिसकी value थी अपने employee Abdul को 200 per share के हिसाब से। Question आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि sweat equity shares होते क्या हैं। बेटा, दीज आर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, दे आर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। एंड वाई दे आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी, स्वेट का मतलब वैसे तो लिटरली पसीना होता है, तो शायद हमारे एम्प्लॉय ने बहुत खून पसीने से काम किया होगा इसलिए हमने उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज दिस एम्प्लॉय हैज़ प्रोवाइडेड अस सच अ गुड सर्विसेज और इसने हमें कुछ काम करने का तरीका सिखाया है, ही हैज़ गिवन अस सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ नए ढंग बताए होंगे, एज एन इंसेंटिव, एज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसको कुछ देना चाहते हैं एज एन इंसेंटिव। सो वी कैन, अ कंपनी कैन गिव स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। कंपनी कैन गिव इक्विटी शेयर्स क्योंकि वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं या तो फ्री में विदाउट एनी कंसिडरेशन या कुछ बहुत कम कंसिडरेशन उससे ले ली जाती है। और एम्प्लॉय को ये अच्छा लगता है क्योंकि एक तो वो कंपनी का ओनर भी बन जाता है, उसके पास ओनरशिप का उसको सेंस आता है, दूसरा उसको डिविडेंड मिलता रहेगा, तीसरा उसके पास एक असेट आ गया, जब भी एसेट बेचेगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स फ़ायदा हो जाएगा तो हम इनकम टैक्स भी लेंगे एज कैपिटल गेन। बट जब ये कंपनी ने इसको दिए तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ सैलरी इनकम। जब कंपनी से मिले इट इज़ अ परक्यूजिट, इट्स अ फैसिलिटी विच आई एम गेटिंग। And all the facility which you know that it becomes salary income unless and until it is exempt. So sweat equity shares is taxable. और जब ये बाद में हम कभी बेचेंगे तो it becomes capital gain. तो question आपसे ये पूछ रहा है, what is the first point है, what is the perquisite value of sweat equity shares allotted to Abdul? Perquisite value मतलब salary कितनी बनेगी, ये देख लेंगे। second point कह रहा है in case of subsequent sale of those shares, आपको पता है जब subsequent sale होती है बाद में हम क्या बेच रहे हैं, अपना एक asset बेच रहे हैं, तो that results in capital gain. What would be the cost of acquisition of those sweat equity shares? second point capital gain का है वैसे तो, but फिर भी हम लोग deal कर लेंगे, आसान point है। तो पहली चीज़ कहता है कि perquisite value क्या बनेगी। बेटा ये बहुत simple है, अगर मैं ना भी बताऊँ ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। हमें कितना फ़ायदा हुआ, हमें एक शेयर मिल गया, लेट्स से आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, लेट्स से इन्फोसिस लिमिटेड, मैं इन्फोसिस लिमिटेड में काम कर रहा हूँ और उसका शेयर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, उसका शेयर फॉर एग्जांपल 2400 रुपीज़ का है, 2400 रुपीज़ का वो शेयर कंपनी मुझे फ्री में दे देती है, तो प्लीज़ बताइए मुझे कितने का फ़ायदा हो गया। सर 2400 का हो गया। ओके सर, वो शेयर 2400 का है बट कंपनी ने मुझसे लिए 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये में दे दिया, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया, 2200 का। फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, आप खुद भी बना सकते हैं। अब क्या फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट का, कितना फ़ायदा हो गया मुझे कंपनी की तरफ से। परक्यूजिट की वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, कितनी मार्केट वैल्यू थी इस केस में, मार्केट वैल्यू कितनी थी जल्दी से बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 300 की मार्केट वैल्यू थी, और हमने इंप्लॉई से कितने पैसे रिकवर करे हैं, 200 पर शेयर, तो पर शेयर पर कितने का फ़ायदा हो गया, 100 रुपीज़ का, तो 100 बिकम्स माई परक्यूजिट वैल्यू, ये मेरी सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो पाएगा। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करिए, 100 का फिर एक शेयर पर 100 का फ़ायदा, 1000 शेयर्स पर यू हैव अर्नड 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपये का यहाँ पर फ़ायदा आ गया, दिस बिकम्स योर परक्यूजिट वैल्यू। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, योर आंसर इज 1 लाख, बट आप इसको कैसे शो करोगे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद मत करना आपको खुद बनाना है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो 300 माइनस 200 दैट मेक्स 100 रुपीज़, इंटू 1000 दैट मेक्स रुपीज़ 1 लाख। दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पॉइंट।
सो इन पॉइंट नंबर वन हमारी 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टैक्सेबल इनकम हो गई, हमने 100 के हिसाब से टैक्स दिया होगा एज सैलरी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब आप इसको बेचेंगे वी नो दैट कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत आसान है कैपिटल गेन का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो आपने क्लास सिक्स में किया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये कैपिटल गेन में निकालते हैं। अच्छा अगर आपको ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, सेलिंग प्राइस को मैं बोल देता हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट प्राइस को बोल देता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो भी जितने का भी बेचेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दोज शेयर्स बाय अब्दुल, जब ये सब्सिक्वेंट सेल करता है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ऑल्दो ये कैपिटल गेन के चैप्टर से रिलेट करता है बट स्टिल हम लोग छुपनी सिंपल है यहीं पर ही कर लेते हैं। बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, चलिए मैं आपको एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने बाद में ना बेचा 300 रुपये का, ठीक है, सिर्फ एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ रटना नहीं है बेटा, प्लीज़ समझिएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसने 300 रुपीज़ का बेचा, बेटा इसने ख़रीदा कितने का था कंपनी से, इसने कंपनी से ख़रीदा था फ्री में ख़रीदा था या कुछ पैसे दिए थे, कुछ पैसे दिए थे, कितने, 200 रुपये। ओके लेट्स से इसने बेचा भी बाद में सबसे खरीदो 300 का करा और मैं एक मिनट के लिए कॉस्ट ले लेता हूँ 200 रुपये क्योंकि इसने 200 रुपये खर्च किए थे, दैट वॉज इज कॉस्ट प्राइस। तो प्लीज़ बताइए इसको कितने का फ़ायदा हो गया, 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ की इनकम के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देगा क्या? आप बोलेंगे सर कुछ सही नहीं लग रहा, क्यों सही नहीं लग रहा, क्योंकि सर 100 रुपीज़ पर तो हमने पहले से भी टैक्स दिया था, पहले भी तो हमने 200 रुपये का ख़रीदा था ना जब हमें कंपनी से मिला था और हमने 100 रुपये पर ऑलरेडी टैक्स दिया था, सर अब दोबारा से टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना इसका मतलब। द आंसर इज येस, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस केस में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस्ट लेनी पड़ेगी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन रिसीव्ड। अब प्लीज़ देखिए अगर आप इसको 300 रुपये का बेच देते हैं तो कॉस्ट कितनी लेनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन रिसीव्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन रिसीव्ड। तो आप यहाँ पर सेक्शन 49 है कैपिटल गेन का बट मैं अभी वो सेक्शन नहीं आपको याद करा रहा हूँ, सिंपल चलिएगा हमने कितने का बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने 300 का बेचा, मार्केट वैल्यू व्हेन रिसीव्ड कॉस्ट बन जाएगी, तो कितनी कॉस्ट बनेगी 300 एंड द कैपिटल गेन वुड बी 0। क्यों 0 सर, क्यों टैक्स दें, 300 रुपये का बेचा है 200 का खरीदा था, 200 तो खर्च करे थे, 100 रुपये से पहले से टैक्स दिया था हमने जब सैलरी की इनकम हुई थी, तो अब टैक्स हमारा बनता नहीं है। हाँ इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू बेचेंगे तब आपका कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए। तो आई एम अज्यूमिंग सेकेंड केस में सिनेरियो में अगर अब मैं देख लूँ कि अगर मैं इसको 450 रुपये का बेचता हूँ, 450 का बेचता हूँ तो फ़ायदा कितने का हो गया, 450 में अगर आप देखेंगे सर 200 रुपये का ख़रीदा था, 450 माइनस 200 तो हमें 250 रुपये का फ़ायदा हो गया। बट प्लीज़ बताइए कि आप 100 रुपये का ऑलरेडी टैक्स सैलरी में दे चुके थे, द आंसर इज़ येस। तो अगर टोटल फ़ायदा आपका 250 का है, 100 रुपये पहले से टैक्सेबल थे सैलरी में, तो सिर्फ यहाँ पर तो 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये टैक्सेबल होने चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल गेन निकालते समय कितना टैक्सेबल करेंगे, सिर्फ 150 रुपये। और 150 कैसे आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डेट से 450 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे, 300 लेंगे, तभी तो 150 आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अब यहाँ पर, पहले तो समझना था, अब आपको ये याद करना होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। तो आप आराम से यहाँ पर अगर 450 का बेचा है तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 300, अपने आप ही आपका 150 रुपये कैपिटल गेन आ जाएगा। सो द आंसर हेयर वुड बी व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन इट इज रिसीव्ड। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, ऑल्दो ये अलग क्वेश्चन तो हो जाएगा, आप वीडियो के बाद में इसको देख भी लीजिएगा। लेट्स से सर स्वेट इक्विटी शेयर्स तो फ्री में भी मिलते हैं, मैंने कहा हाँ। तो आई टेक एन एग्जाम्पल कि आपका कोई शेयर, आप कंपनी में काम कर लेते हैं, लेट्स से यू आर वर्किंग विद रिलायंस, अगर आप रिलायंस लिमिटेड में काम कर रहे हैं, लेट्स से रिलायंस पावर लिमिटेड, ओके, आप रिलायंस पावर लिमिटेड में काम कर रहे हैं और उसका शेयर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ का है और वो मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, हम आपको ये शेयर देते हैं फ्री में। आपने कहा थैंक यू सर, तो आपको ये शेयर मिल गया फ्री में, कितने की मार्केट वैल्यू चल रही थी इसकी, 500 रुपये। तो प्लीज़ बताइए क्या इनकम टैक्स भी आपको बोलेगा कि आप बहुत अच्छे, हम टैक्स नहीं लेंगे, या वो टैक्स लेगा आपसे,
कितना टैक्स लेगा? 500 रुपीज़। तो ही विल टेक टैक्स ऑफ 500 रुपीज़। हमारा फॉर्मूला क्या था? परक्विजिट वैल्यू का मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 500, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज 0, तो हेयर इट बिकम्स 500 के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके पास शेयर आ चुका है, लेट से थोड़े दिन के बाद आप इसको बेच रहे हैं, ऑल्दो कंपनी लॉ में इसका लॉक इन पीरियड भी है, बट आई एम नॉट गोइंग इन कंपनी लॉ बेटा अभी। तो आपके पास एक शेयर आएगा फ्री, कितने में मिला था आपको? वैसे तो फ्री में मिला था। कितना टैक्स दे चुके हैं सर? 500 रुपये के हिसाब से हम टैक्स दे चुके हैं, 500 रुपये हमारी इनकम आ चुकी थी सैलरी में। लेट से आप थोड़े दिन के बाद इसको 500 रुपये का बेच देते हैं, ठीक है। नाउ द कैपिटल गेन सेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और आपने 500 का ही बेच दिया फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या बोलते हैं? सर सेलिंग प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस वॉज 0, क्योंकि हम आपको तो फ्री में मिला था। तो सेलिंग प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस इज 0, तो इट बिकम्स 500 कैपिटल गेन। द आंसर इज नो। 500 रुपये पर क्या दोबारा से टैक्स देंगे आप? सैलरी में दिया तो है आपने, तो अब कैपिटल गेन पे टैक्स मत दीजिएगा अगर ये 500 रुपये में बिक रहा है तो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड बी 500 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्शन। कितने लेना है? हमेशा आपको लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू। 500 का सेलिंग प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू भी 500 रुपये, तो कैपिटल गेन वुड बी 0। अगर ये आपने सब्सिक्वेंटली बेचा होता 600 रुपये का, 600 रुपीज़ का, तो अब कितना आता? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 600, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 500, कितना आएगा? 100 रुपीज़ कैपिटल गेन। तो टोटल जो आपको 600 रुपये का फ़ायदा हुआ, 500 आपने दिए सैलरी में और 100 रुपये आपने दिए कैपिटल गेन टैक्स। तो दिस इज़ द वे हाउ यू डू द क्वेश्चन। प्लीज़ इसका सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच, अपने क्वेश्चंस करते रहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।